वहीं परिवहन विभाग से बड़ी खबर, पासपोर्ट की तर्ज पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नोट छापने वाली कंपनी एजेंसी भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से प्रिंट होंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदक को अतिरिक्त ₹85 देने होंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नोट छापने वाली कंपनी एजेंसी से प्रिंट होंगे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस। पासपोर्ट की तर्ज पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी। और अब इसके क्या फायदे होंगे ये भी जाना दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ अतिरिक्त शुल्क ₹85 लगेंगे। अश्विंद्र परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अश्विंद्र, बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होगा और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल तौर पर बनाए जा रहे हैं पासपोर्ट की तर्ज पर, इसका कितना किसको फायदा मिलने वाला है? देखिए, इसका फायदा जाहिर तौर पर पूनम, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस लेकर विदेशों में जाते हैं जी, उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर कोई फॉरेन में नौकरी कर रहे हैं NRI और वो यहाँ से अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर अभी तक जाते थे, तो अभी तक जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था वो एक अब परमिट की तरह होता था, जिसको कि बहुत अच्छा दस्तावेज नहीं कह सकते। उसको सहेज कर रखने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को, और उस गुड लुकिंग भी नहीं था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर आप दूसरे देश में जाकर भारत से जुड़ा कोई दस्तावेज दिखा रहे हो तो कम से कम उसकी थोड़ी सी गरिमा होनी चाहिए, अच्छा वो दस्तावेज होना चाहिए। तो ये एक परिवहन विभाग का बड़ा फैसला है कि जिस तरीके से पासपोर्ट बनता है और उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, और उसी तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जो बनेंगे लोगों के, उन पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होगा। और हम सबसे पहले दर्शकों को उसकी एक झलक भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, कि किस तरीके का जो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है उसका परफॉर्मा होगा, किस तरह का कार्ड होगा। हालांकि इसके लिए ₹85 अतिरिक्त आवेदकों को देने होंगे, लेकिन ये पैसे उनको चुभेंगे नहीं, क्योंकि एक वेल मेंटेन कार्ड होगा जिसको कि वो आसानी से कैरी कर सकेंगे, जल्दी उसके खराब होने की कोई गुंजाइश और संभावना नहीं होगी। क्योंकि जो कंपनी अभी हिंदुस्तान में नोट छापती है, भारत सरकार की एजेंसी है, उस एजेंसी को परिवहन विभाग ने काम सौंपा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के महीने से लोगों को पासपोर्ट की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, शुक्रिया श्वेत, तमाम जानकारी।